बहुत धन्यवाद दूंगा मॉरिशस सरकार की, हमको वो उन्होंने महानायक की उपाधि दी थी। अब हम कल जा रहे हैं तो मैं पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को, यशी फिल्म्स को, ये जो जो लोग कर रहे हैं इनकी पूरे लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जाके भोजपुरी को खड़ा कर रहे हैं। तो मैं पूरी टीम को, सब लोगों को, पूरी भोजपुरी सिनेमा को, कि हम पहली बार भोजपुरी सिनेमा को लेके गए थे कब हुई गौना हमारे मॉरिशस में शूटिंग करने, वहाँ से भोजपुरी पहली बार इंटरनेशनल जाना शुरू हुई थी। तो अब सब लोग वहाँ अवार्ड करने जा रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी भोजपुरी तरक्की करती। जैसे हम अब 350 एकड़ हमको ज़मीन सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी फिल्म सिटी बनाने के लिए, तो ये चीज़ें हमको बड़ा अच्छा लगता है। मेहनत करना, बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत लोगों को काम मिलेगा, बहुत सारे सिनेमा की शूटिंग्स होंगी, एक इंटरनेशनल लेवल पर, एक हाईटेक लेवल पे ऑस्ट्रेलियन बेस्ड एक स्टूडियो है, उस तरह से हम कुछ प्लान कर रहे हैं यूपी में। और नाउ ये उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट लखनऊ से 50 मिनट की दूरी पे स्टूडियो शुरू होगा। भोजपुरी को यूपी सरकार मान्यता दी है, बहुत अच्छा सब्सिडी दे रही है, लेकिन हमारा बिहार सरकार कुछ नहीं कर रहा है इस दुनिया। मैं चाहूँगा बिहार सरकार करे, जैसे सीएम साहब ने हमारी बात मान के इसको आज पूरा इतना बड़ा योगदान दिया, 1 करोड़ रुपया भोजपुरी को मिलता है, 2 करोड़ हिंदी को मिलता है, स्टूडियो के लिए ज़मीन मुहैया करवा दी, MOU साइन कर लिया हमारे साथ। बिहार सरकार को भी हमने ये प्रपोजल कई बार दिया और अब बिहार सरकार को तुरंत इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी फिल्में वहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, बशर्ते उत्तर प्रदेश के पैसा ज़्यादा रिकवर प्रोड्यूसर का बिहार से होता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बिहार सरकार से कि आप लोग कृपया, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश सरकार 22 करोड़ की आबादी के लिए कर रही है, बिहार की आबादी 15-16 करोड़ है। बिहार की सरकार को अभी वहाँ लोकल कलाकारों के लिए, लोकल लोगों के लिए रोज़गार, क्योंकि अगर एक स्टूडियो बनता तो 10 से 15 हज़ार लोगों को एक साथ रोज़गार मिलता है, परमानेंट रोज़गार। तो कितने लोगों को आप रोज़ी रोटी देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा होगा अगर सरकार इस पर तुरंत कोई निर्णय लेती है।